तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि GTA 5, इफ चाहे वो मॉडेड, चाहे वो पायरेटेड वर्जन हो, चाहे रियल वर्जन हो, उसको मॉड कैसे करते हैं। इसके लिए आपको ये 5 थिंग्स लगेंगी। पहले OpenIV ऐप, scriptokv.net, जो सा भी आपको मॉड डालना हो, और ये मेन्यू PC। इन सब की मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप लोग वहां से कर सकते हैं। तो ये सब फाइल्स को इंस्टॉल करने के बाद आपने जहां पे भी इंस्टॉल करी है इन सब को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये 4 फोल्डर्स आएंगे आपके पास। हाँ, ये जो, और इसमें सबसे पहले आपको scriptokv का फोल्डर खोलना है। इसमें बिन में जाके बस ये डी इनपुट ए डॉट dll और scriptokv.dll, इन 2 फाइलों को कॉपी करके आपको अपने मेन GTA 5 के फोल्डर में पेस्ट करना है। नहीं तो मेन मेरा ये है, तो यहाँ आपको आके बस ऐसे ही पेस्ट कर देना है। नहीं, और फिर ये करने के बाद आपको वापस आना है, और जो आपकी scriptokv.net वाली फाइल है, इसमें से आपको scriptokv.net/2.dll, scriptokv.net/3.dll, ये 3 फाइल्स को आपको फिर से अपने मेन डायरेक्टरी, GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में पेस्ट कर देना है। फिर ये सब करने के बाद आपकी जो एक रिलीज नाम का एक फोल्डर बना होगा, उसमें से ये दोनों आपको फाइलें ले जाकर उसमें पेस्ट कर देनी है GTA 5 में। जब आप ये सब कर लेंगे, तब आपको ये, अभी इसको मेन्यू वाले फोल्डर को छोड़ दीजिए। फिर आप अपने मेन डायरेक्ट GTA 5 की डायरेक्टरी में आकर एक फोल्डर बनाइए जिसका नाम हो मॉड्स, विदाउट एनी कैपिटल लेटर्स, मॉड्स, एक भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। तो ये जब आप बना लेंगे, तो एक और फोल्डर बनाइए जिसका नाम हो स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स में आके ये जो नेटिव UI, और ये जो आपको फाइल रिलीज फोल्डर में मिली थी, वो यहाँ पेस्ट कर दिए लाके। ठीक है, तो ये जब आप कर लेंगे, ये अपडेट के फोल्डर में जाके x64 में ये जो डेटा का पैक है, इसको कट करके कहीं और रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। फिर जब आप ये कट करके कहीं और किसी और जगह प्लेस कर देंगे, तब आप इस पूरे अपडेट के फोल्डर को कॉपी करके मॉड्स में लाके पेस्ट कर दीजिएगा। तो आपके पास इतना होगा बस। DLC पैक्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, कि ये फोल्डर भी बना लिएगा जिसका नाम हो DLC पैक्स, और x64 आपका पहले ही से पड़ा होगा। सो आपका जब ये मॉड्स का फोल्डर बन जाए, तो इसी GTA 5 की डायरेक्टरी में ये फाइल्स होंगी: x64a.rpf, x64e.rpf, x64g.rpf, x64i.rpf और x64w.rpf। सो ये रही वो फाइल्स फाइल्स ये रही ए ई जी आई और ये है डब्लू। तो ये सब आप बस कॉपी करके इसमें फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए। फिर अब इसका काम कंप्लीटेड। अब है मेन मॉडिंग की। अगर आपको ये लैम्बोर्गिनी सियान जो मैंने ने यहाँ पे लिया है मॉड करने के लिए, अगर आपको यही चाहिए, तो इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपको कोई मॉड लगाना हो, तो वो OIV होना चाहिए, ताकि वो जल्द, मतलब इजिली इंस्टॉलेशन हो जाए। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड्स में जाके, जहाँ आपका का ये, जब आप डाउनलोड कर लेंगे, ये आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा, आर्मोर्ड कस्टम लैम्बोर्गिनी सियान 1.0। OIV इंस्टॉलेशन में जाके बस आपको मिनिमाइज कर देना है इसको। आपको OpenIV खोलना है, नहीं, और ये आपसे वो लोकेशन पूछेगा GTA 5 की, तो वो लोकेट कर दिएगा, मैंने पहले ही कर दी है, आप लोग कर लीजिएगा वो। फिर ऐसे जब फेस सरफेस आए, तो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वी और फिर विंडोज। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा टाइम लेगा ना खुलने का। फिर आपको यहाँ आके एडिट मोड यस करना है, नहीं? और फिर आपको ये जो अपनी फाइल है लैम्बोर्गिनी सियान डॉट ओआईवी, इसको यहाँ इसमें लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ऐसा कुछ सा खुलेगा, इसमें इंस्टॉल दबाना है, और इंस्टॉल दिस मॉड इनटू मॉड्स फोल्डर कर देना है।
ऐसे कंफर्म इंस्टॉलेशन और ये इंस्टॉल हो जाएगा। और ऐसा आएगा तो आपको बस ये क्लोज कर देना है। और मैंने जो पहले आपसे बताया था कि मेन्यू वाली फोल्डर को छोड़ दिए, अब उसका आपको ये करना है, गेम्स में आके के डाउनलोड्स में जाके, तो मेरे में मेन्यू एसपी में जाके मेन्यू स्टफ और ये मेन्यू एएसआई की जो फाइल है इसको आपको GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में पेस्ट करना है। बस यहाँ आके पेस्ट कर दीजिए। तो ऐसे जब आप कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। फिर वो जो आपने लैम्बोर्गिनी सियान की वो फोल्डर बना है उसमें एक स्पॉन नेम होगा, जैसे कि ये है आर्मोर्ड कस्टम, हम इसमें एक ये मॉड इंस्टॉलेशन OIV की ऐसे कोई टेक्स्ट फाइल होगी, तो इसमें व्हीकल का स्पॉन नेम होना चाहिए यहीं कहीं पे। तो जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स हो उनमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये जैसे कि ये यहाँ लिखा है व्हीकल स्पॉन नेम आर मोड सियान, तो ये आपको GTA 5 में डालना पड़ेगा। अब आप अपना GTA 5 गेम लॉन्च करिए। जैसे ही गेम में आ जाएंगे, एक मिनट, आपको यहाँ गेम पे F8 दबाना है। तो ऐसा मेन्यू पीसी ये मैप के ऊपर मेन्यू पीसी वर्जन 1.8 by Mappings लिख के आएगा। तो फिर से जब आप F8 दबाएंगे तो ये मेन्यू आ जाएगा। इसमें आपको व्हीकल ऑप्शंस पे जाना है, व्हीकल स्पॉनर, और एकदम लास्ट में जाना है जहाँ लिखा हो इनपुट मॉडल, ये जो लिखा है इस पर क्लिक करके आपको यहाँ टाइप करना है आर मोड सियान, और आपकी ये लैम्बोर्गिनी सियान आ गई है। इसको आप वो कस्टमाइज भी करा सकते हैं, और आप पूरा कस्टमाइज करा सकते हैं जिस कलर का आपको कराना हो, और अच्छी लगती है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका सलूशन बता दूँगा। थैंक यू।